हेलो फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था साइंस के सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का फुल रिवीजन और उसके एग्जाम में आने वाले मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। अगर तो आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फुल रिविजन और इसमें से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो में हम जो जो कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं उनकी लिस्ट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेट अस नाउ क्विकली रिवाइज दिस चैप्टर। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल्स को उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंसेस हैं वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, डक्टाइल, मैलेबल, लस्ट्रस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर सॉफ्ट, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलेबल, नॉन लस्ट्रस एंड आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Hello students, we are making a series of videos to help you prepare better for board exam. Click here if you want to watch more videos in this series. Also, we are very close to getting 100,000 subscribers. So please subscribe and don't forget to click on the bell icon below to receive a notification each time we post a video every week. Come join our learning community. अब हम देख लेते हैं कुछ common reactions. हमने यहाँ पे जो भी रिएक्शंस है वो वर्ड फॉर्म में लिख रखी हैं। अगर तो आप लोगों को सबके प्रोडक्ट्स याद हैं प्लस मेटल के सही फॉर्मूले या फिर नॉन मेटल के भी सही फॉर्मूले एंड वैलेंसीज याद है तो आप उन वैल्यूज़ को इन इक्वेशंस में पुट करके एक करेक्ट केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन बनाए तो डू नॉट फॉरगेट टू बैलेंस देम। अब हम रिएक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहली, जब मेटल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको मेटल ऑक्साइड एज द प्रोडक्ट मिलता है। जब मेटल और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब इस केस में भी अलग अलग मेटल्स अलग अलग रेट पे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, पोटाशियम और सोडियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वो भी बहुत ही वायलेंटली। कैल्शियम थोड़ा लेस वायलेंट रिएक्शन शो करता है। मैग्नीशियम ऑन द अदर हैंड हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जबकि एलुमिनियम एंड आयरन ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ, वो सीधा स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब एक मेटल और डाइल्यूट एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो इस केस में हमको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस एज प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में हमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। वो इसीलिए क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो H2 बनती है वो फटाफट से उसको H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ही वो मेटल्स हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस प्रोडक्ट में देते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं जब कोई भी मेटल ए रिएक्ट करता है किसी और मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तब क्या होता है। इस केस में अगर तो ए मेटल बी मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है और प्रोडक्ट में हमको मिलता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। हाउएवर अगर तो मेटल ए लेस रिएक्टिव है बी से तो कोई रिएक्शन शो नहीं होता है। अब अगर तो आप सोच रहे हैं कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो हम पता लगा सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। तो आइए अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इज अ सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। मतलब सबसे ऊपर वाला मेटल जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव है। तो अभी आपके स्क्रीन पे आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स देख सकते हैं। ना ही सिर्फ इस चैप्टर के लिए बल्कि आपके पूरी आगे की केमिस्ट्री की स्टडी के लिए रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। बहुत से बच्चे इसको एक निमोनिक के इस्तेमाल से याद रखते हैं, वो कुछ ऐसा है।
please stop calling me a cute zebra. Instead, like her, call me smart goat. इसका मतलब ये है, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, carbon, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold. I hope this helps you in remembering the reactivity series. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं reaction between a metal and a non-metal. हमको पता है कि hydrogen के अलावा सभी element के atoms को अपनी outer shell में 8 electrons चाहिए होते हैं stable होने के लिए. Metals को ये stability मिलती है electrons donate करके और non-metals ये stability पाते हैं electrons gain करके. तो इसीलिए जब एक metal और एक non-metal आपस में react करते हैं तो transfer of electron होता है और इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब ये एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक आयनिक बॉन्ड बनता है. अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. हमने यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया है. सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है 281 और क्लोरीन की होती है 287. आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशंस इनके एटॉमिक नंबर से लिख सकते हैं. तो अब आप देख रहे हैं कि सोडियम की आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने यहाँ पे ऐसे डिपिक्ट किया है और सीएल के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हमने क्रॉस से डिपिक्ट किया है. तो अब स्टेबल कॉन्फिग्रेशन पाने के लिए एनए के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, सीएल के पास एक कम है, तो इसीलिए एनए अपना एक इलेक्ट्रॉन सीएल को दे देगा. तो इसीलिए हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा. तो इस तरीके से NaCl का फॉर्मेशन होता है. तो अब हम देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स. जो भी मेटल्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो नेचर में पाए जाते हैं उनकी कंबाइंड फॉर्म में, और हमको उनके कंबाइंड फॉर्म में से एक्सट्रैक्ट करके उनके प्योर फॉर्म में लाना होता है ताकि हम उनके प्योर फॉर्म को यूज़ कर सकें हमारे डे टू डे पर्पसेस के लिए. तो अब ये प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो इस प्रोसेस के मेन 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर, उसके बाद रिडक्शन टू ऑब्टेन द मेटल, और फिर उसके बाद उसका प्योरिफिकेशन. तो अब ये जो प्रोसेस है ये भी अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है बेस्ड ऑन कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ लाए करते हैं, ऊपर, बीच में या फिर सबसे नीचे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, मतलब कि उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं. अब बहुत ही कम रिएक्टिव होने की वजह से इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम सिंपली हीट करके ही उनमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम मर्क्यूरी को कंसिडर करते हैं. मर्क्यूरी का जो सल्फाइड ओर है वो नेचर में पाया जाता है, उसको पहले हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमको HgO और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है. अब इस प्रोडक्ट को अगेन हम लोग हीट करते हैं तो हमको प्योर मर्क्यूरी मेटल मिल जाता है और फिर साथ में ऑक्सीजन गैस मिल जाती है. अगर तो हमको और ज़्यादा प्योरीफाइड मेटल चाहिए तो हम इसको और ज़्यादा प्योरीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन आर नीड. तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज. ये जो ग्रुप है इसमें प्रेजेंट डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी वुड वांट यू टू रीड दिस थरली. इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे दिख रहे कार्ड पे जो वीडियो है उसको क्लिक कर सकते हैं. अब हम देखते हैं हाउ टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल विच लाइज टूवर्ड्स टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, उनको उनके मोल्टन क्लोराइड सॉल्यूशन में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस. तो अगर तो हम एग्जांपल लें कि हमको सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो उसमें होने वाले रिएक्शंस हमने यहाँ पे लिख रखे हैं. कैथोड में हमारे पास सोडियम मेटल आएगा और एनोड में हमारे पास Cl2 या फिर क्लोरीन गैस लिबरेट होगी. तो हमने देखा कि अलग अलग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं. एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम लोगों को उन मेटल्स को प्योरीफाई भी करना होता है जो हम करते हैं यूजिंग द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. इस प्रोसेस में एनोड इम्प्योर मेटल होता है और प्योर मेटल के एक स्ट्रिप को कैथोड बनाते हैं. इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है और सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट.
जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो सम अमाउंट ऑफ प्योर मेटल गोज फ्रॉम द एनोड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट गोज एंड डिपॉजिट्स ऑन द कैथोड. जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में रह जाती हैं और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं जिनको एनोड मड बोलते हैं. तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो रिवाइज करने वाले हैं यहाँ पे वो है कोरोशन. आप लोगों को पता ही होगा कि अगर तो हम किसी मेटल को एयर एंड वाटर की प्रेजेंस में थोड़ी देर तक रखें तो वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है. कोरोजन एक्चुअली डिस्ट्रॉयज अ मेटल, तो इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं मेटल्स को कोरोजन से बचाना. दिस कैन बी डन बाय वेरियस मेथड्स लाइक ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा. एक अच्छा तरीका जो मेटल्स को कोरोजन से बचाता है वो है अलॉयिंग का. अलॉयिंग से हम लोग डिजायर्ड प्रॉपर्टीज का सब्सटेंस भी पा सकते हैं. अलॉय इज एक्चुअली अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. अगर तो अलॉय में एक कॉम्पोनेंट मर्क्यूरी है तो हम उसको अमैलगम बोलते हैं. तो अब हम लोग समझ लेते हैं इस चैप्टर की वेटेज को. प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इस चैप्टर में से 3 या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर में से आए हुए सभी क्वेश्चंस अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं. फॉर मोर सच अपडेट्स स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग. हेलो स्टूडेंट्स, वी आर मेकिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस टू हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर बोर्ड एग्जाम. क्लिक हियर इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस इन दिस सीरीज. ऑल्सो वी आर वेरी क्लोज टू गेटिंग 100,000 सब्सक्राइबर्स. So please subscribe and don't forget to click on the bell icon below to receive a notification each time we post a video every week. Come join our learning community.